आप जफर इस्लाम साहब आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर साहब, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं कि मतलब उनके कहने का अर्थ यही है, दूध के धुले सिर्फ आप लोग हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार कहीं भी है हर जगह कमियां नजर आती हैं आप लोगों को। देखिए, मैंने यह कहा, अगर पंकज जी को समझ में नहीं आया तो देश की जनता को तो जरूर समझ में आया होगा। मैंने यह कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करते हैं, और पार्टी की लीडरशिप जब अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बड़ी सादगी से लेते हैं और उसको बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होता है। जिसकी मिसाल भारतीय जनता पार्टी में दो बार हुआ है, ऐसा तीन बार हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री चेंज किया गया। पावरफुल लीडर भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन वो भी स्मूथ ट्रांजिशन के वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। लेकिन जिस तरह से यहां पर उनको हर जगह उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर किया गया, चाहे वो देश के लिए अगर कोई स्टैंड ले, जो कि पूरी दुनिया देख रही है कि वो देश के लिए ऐसा स्टैंड ऑपोजिशन लीडर को लेना चाहिए था, वहां पर कुछ ऐसे लीडर्स कांग्रेस के थे जिन्होंने स्टैंड लिया, उसमें एक कैप्टन साहब भी थे जो लेते थे स्टैंड, लेकिन वहां पर राहुल गांधी और उनके परिवार का स्टैंड बिल्कुल विपरीत होता था। वो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने वाला स्टैंड, जैसे आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने जो है यूनाइटेड नेशन में इस्तेमाल किया, वही स्टेटमेंट अगर आप देखिए कैप्टन साहब का, उस वक्त स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और खुल के दिया। इसलिए दिया कि इसलिए कि उनको वो एक आर्मी में ऑफिसर रहे हुए हैं और उनको समझ में आता था कि देश हित से बढ़कर कुछ नहीं होती, वो सर्वोपरि होती है। इसलिए उन्होंने राजनीति में जरूर अपना अपोजिशन लीडर रहे हैं और उन्होंने कमियां भी उनके उनमें बहुत कमियां और हमने बराबर उजागर की, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया उनको, और उसको अपमानित करने का वजह है हाँ। कि सिद्धू जी वहां पाकिस्तान में जाके अमरिंदर सिंह से पाकिस्तान में जाके इमरान खान से गले लगते हैं, बाजवा से गले लगते हैं, और यहाँ अमरिंदर सिंह को के जो स्टैंड लेते हैं देश के हित में, उनकी पीठ थपथपाने के बजाय जो सिद्धू जी को वेलकम किया जाता है। ठीक है, अब जफर इस्लाम साहब समझ में आ रहा है वो देखा गया कि मतलब आप लोगों ने अपने दरवाजे कैप्टन साहब के लिए खोल दिए हैं और बीजेपी के लिए तो वैसे भी तीन विधायक वाली पार्टी 2017 में, तो आपको लग रहा है कि कैप्टन अगर भविष्य के लिए दरवाजे खोले रखने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वेलकम करने के लिए तैयार है बीजेपी कैप्टन साहब का वेलकम करने के लिए? इतने अच्छे, इतने प्यारे नजर आ रहे हैं इस्तीफे के साथ ही। वो देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई दरवाजे बंद करके नहीं रखता है। जहां तक हमने कहा है कि हमारी पार्टी उन लोगों को वेलकम नहीं करती है जो देश हित और जनता के हित में नहीं सोचते हैं। अब अगर कोई आदमी देश हित में सोचता है और जनता के हित में सोचता है तो हमारी पार्टी तो बराबर उन लोगों को वेलकम समझ में आ गया। जंगवीर सिंह जी का रूप होगी आपके पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जंगवीर सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कैप्टन का इस्तीफा हो गया है और उन्होंने कह दिया आला कमान से कि जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना हो आप बना लीजिए, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फेरबदल को आप? उन्होंने जो कहा, चलो वो तो उनकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बट जो लोग पंजाबी जो सोच रहे हैं वो ये अपना उनका दृढ़ निश्चय है कि हमें दोबारा कांग्रेस बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही है कि हमने पौने पांच साल तक तो कोई काम करा नहीं, जो एक भी जो अपना प्रॉमिस लोगों को करा था एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा, और अब हम क्योंकि हमें दिख रहा है, कांग्रेस को दिख रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि अब एक चेहरा बदल कर लोगों को बेवकूफ दोबारा बना दिया जाए। पर बात एक चेहरे की तो है नहीं ना, बात है कि ये सारी सरकार करप्ट है, ये सारी सरकार जो है स्कैम से एक के बाद एक स्कैम करा इस सरकार ने, और इसमें एक चीफ मिनिस्टर नहीं, इनके सारे जो कई जो मंत्री हैं वो कई किस्म के जो करप्ट एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, और जो उनके एमएलए हैं वो कई किस्म के ड्रग माफिया कह लो, चाहे अपना सैंड माफिया कह लो, चाहे लिकर माफिया कह लो, कई किस्म के माफिया रन कर रहे हैं। तो इनको पता है कि हम तो दोबारा इलेक्ट होने नहीं वाले, तो ये कहीं गलत फहमी है मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, चेहरा बदल कर कई हमें दोबारा सत्ता प्राप्त हो जाएगी। पंकज शर्मा जी, गलतफहमी कांग्रेस आला कमान ने पाल कर रखी हुई है कि चेहरा बदलने से सत्ता हासिल हो जाएगी पंजाब में, चेहरा बदलने से सत्ता रिपीट नहीं करेगी वहां पर, चेहरा बदलने से सत्ता हासिल करने का काम हुआ उत्तराखंड में, चेहरा बदलने से दोबारा सत्ता हासिल करने की तैयारी हुई गुजरात में, उस पर भी तो कुछ बोले ही है, चेहरा बदलने से सत्ता हासिल हो जाएगी इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं है। लेकिन हर राजनीतिक दल में
कुछ आपस के मतभेद होते हैं, कुछ आपस की असहमतियां होती हैं, हर विधायक की अलग अलग राय होती है और हर पार्टी का आलाकमान उन संकटों से अपनी तरह से निपटता है। अब ये कहना कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जमाने में कोई काम ही नहीं हुआ, ये भी पूरी तरह एक राजनीतिक वक्तव्य है। पौने 5 साल में जितना काम पंजाब में हुआ है वो भी सबके सामने है। ठीक है, जब सरकारें चलती हैं तो उनमें बहुत सी गलतियां भी होती हैं, बहुत सी खामियां भी होती हैं, हर आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है और ये कोई खाली कांग्रेस शासित राज्यों में है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी तो हमने हाल देखा है और जहां अभी नहीं भी बदले गए हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, वहां भी हम हाल देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी। तो चुनावों के पहले इस तरह की एक्सरसाइज जब भाजपा करे तब तो ठीक है, और कोई राजनीतिक दल करे तो वो गलत है, तो ये नहीं माना जा सकता है।